been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीबडी न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज़ काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्वल फैंस के लिए, कैप्टन अमेरिका फैंस के लिए, और ये अपडेट, ये ईस्टर एग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आपको याद होगा सिविल वॉर के इवेंट में, जिसमें कि एक बंदा आता है फेडेक्स कंपनी से और वो बोलता है टोनी स्टार्क यहीं पर रहते हैं। तो फाइनली अब टोनी स्टार्क हमारा उस डिब्बे को खोलता है तो उसमें से निकलता है एक सेल फोन, एक चिट्ठी टोनी के नाम से। तो वो सेल फोन का नंबर क्या था, उसमें कैप्टन का एक्चुअल में रियल नंबर था, जो कि फाइनली अब रिवील्ड हो चुका है। और वो सेल फोन हमें सिविल वॉर के इवेंट के बाद हमें सीधा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में देखा, जिसमें कि टोनी ने घमंड के चक्कर में कैप्टन को कॉल नहीं करा, बट फाइनली ब्रूस बैनर ने वो कॉल करा और कैप्टन अमेरिका को बुला लिया। और फाइनली उसका नंबर क्या था, तो कैप्टन अमेरिका का जो नंबर था स्टीव रॉजर्स के नाम से सेव था, उसका जो नंबर था 6781367092। तो ये है कैप्टन अमेरिका का रियल नंबर। तो ये कैप्टन अमेरिका फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर कन्नेज के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।